तो रिद्धि मां रावत, आपको मेरी नानी कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी। मैं फोटो देख लो कोई। हां हां सब देखे। ये मैं बुलाना था नहीं आ रहा है। कोई बहन दो भाई, देर भाई। अरे तुम नहीं, हमें पास नहीं। खिड़की था बहन के खोलो भाई, बिल्कुल शो के सब आ गया। अभी तो ये मेरी नानी है। भावना ने ऑर्डर करे हमारे लिए स्पेशल मनु बुतिया पो धान बुतिया लगा झुआर बुतिया दाल 320 की दाल है मेरी, 2-3 किलो स्मोक चिली पास्ता एंड ये क्या समझ नहीं आया क्या शायद लास्ट दे रही दिल्ली से मेरे पति के लिए ये स्पेशल गिफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्विक एंड फैमिली। आई रियली होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसी घर से मेरी और मेरी मम्मी की शादी हुई थी, यानी मैं आई हूँ आज मेरी नानी के घर। यह है मेरी प्यारी नानी जो ना पंजाब थी और उस वजह से मिल नहीं पाई थी। अम्मा कुछ बोल रही है, पहले बोलो। मैं क्या बोल रहा है, मैं क्या आना ना बोला। क्या बोल रहा मैं? तो ये है मेरी नानी माँ और बचपन से लेकर आज तक मैं ज़्यादातर इन्हीं के साथ रही हूँ। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी भी यहीं से हुई है, इसी घर से हुई है, और मेरी मम्मी की शादी भी यहीं से हुई है। तो ये घर ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, समझ लो। तो नानी की ना शायद मैं सबसे फेवरेट लाडली नातिनी भी हूँ। इस वजह से हाँ, तो इस वजह से भी ना मैं थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए आज मैं आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिद्धि की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। और मैं जब लास्ट टाइम दिल्ली आई थी ना, तब रिद्धि नहीं आई थी, तो मैंने सोचा रिद्धि को थोड़ा घुमा भी देंगे और नानी से भी मिलना हो जाएगा। तो इनके पापा नहीं आए, बस हम ही लोग आए थे। तो ये है मेरी नानी अम्मा, तो इनसे मुलाकात हो चुकी है, और जो भी होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे यहाँ बहुत सारे काम भी करने हैं। दाल 320 की दाल है मेरी, 2-3 किलो। तो ये वही बात करनी है। लो तो दीदी नहीं, तुम दोनों कोई बहन दो भाई, देर भाई। अरे तुम नहीं, हमें पास नहीं। वो खिड़की था बहन क्या खोला भाई, बिल्कुल शो के सब आ हुआ हुई नहीं। उस पापा के मजे आ गए, 5 रुपए मिल गए उसको, 1-2 रुपए देने के चक्कर में थी अम्मा। उसको 5 रुपए दे दिया मैंने। मम्मी अम्मा तो सबसे ऊपर नीचे करवाती थी। हमें तो 10 बार ऊपर नीचे कर लिया होगा। अच्छा, ये अम्मा ऐसी करती है हमेशा, पता नहीं तुम्हें? नहीं। अभी तो ये मेरी नानी है। एरोप्लेन आ गया, बस यहाँ पे एरोप्लेन देखते रहो तुम। मैं आपकी नानी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, क्यों? चिल्लाती भी है। फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ भावना के घर और भावना ने ऑर्डर करे हैं हमारे लिए स्पेशल मोमोज। उसको हमने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। हाँ, और भावना को ना ब्लॉग में नहीं आना है, इसलिए सॉरी, मैं उसको नहीं ले पाऊंगी। आज नानी बना रही है हमारे लिए स्पेशल कुए। पागल तो बैठो, मेरी दाम नहीं मिली। फ्रेंड्स, आज मेरी नानी बना रही है हमारे लिए सुबह नाश्ते में कुए। तो आज नानी स्पेशल, तो नानी यहाँ पे ना गुड़ का पानी बना के रखा है और उसको आटे में, गेहूं के आटे में मिला रही है, उसको मैश कर रही है। तो उसमें चीनी वीनी कुछ नहीं जाएगी क्योंकि गुड़ का पानी है, और उसके बाद कुए बनाने वाली है। और नानी का दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ नानी के स्पेशल कुए। आप देख सकते हैं यहाँ हो रही है बारिश। अम्मा, आज पुए किस खुशी में बन रहे हैं? मनु बुधमा बेटा, मनु बुधमा, मनु बुधिया पो बना। आज बारिश का मौसम हो रहा है ना, मनु बुधिया पो धान बुधिया लगा झुंगर बुधिया छो। तभी क्या झुंगर पूरे मनु बुधमा। अच्छा, मनु बुद्धि बहुत जेठे महन ला रहा यार, टाइम मुझे बुद्धि नहीं मनु। अच्छा, याद हमरे करी हो काम। याद हमरे हजार लोग कह रहे बिगड़ो। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, इसलिए मनु उतना टाइम भलो रहा आज। अम्मा दिल्ली में मनवा भूल रही है, पूछ रही है क्या कहते हैं ये छो बना बना के खेला। तो ये है अम्मा का छोटा सा किचन, इतना सा किचन दिल्ली में, और ये एक कबर्ड है और साथ में नीचे भी कबर्ड है। और अम्मा यहाँ पे स्टूल लगा के बैठ के खाना बना रही थी अपने लिए। यही बगल में एक छोटा सा फ्रिज भी रखा हुआ है।
पुआ क्या खाना है? पुआ या बुआ? क्या खाना आदि? आदर जमाना भैया फोन है क्या हाथों पर ही सर हमारा बाल की नहाई के साथ कसाई बड़ी हमारी मोल विजार वो बड़े बरखर रोज जन्म है तो रिद्धि खा रही है पुए। रिद्धि को कैसे लग रहे हैं पुए? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं रिद्धि को? अच्छा। आपने तो खाया ही नहीं, आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छे। चलो आप भी खाओ। खाया आपने भी पुआ? हाँ। दीदी के साथ? अच्छा हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज नानी से मिलने के लिए नानी का पूरा परिवार आया हुआ है। मीन्स नानी के बच्चों का पूरा ग्रुप दिखाती है आपको सबको। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले ब्लॉग बताया था, छोटे मामा और यहाँ बड़े मामा, उसके अलावा ताऊ जी, ताई जी नहीं तो ताऊ जी आए हैं, मतलब नानी के ही जवाई आए हैं। और नानी की एक मम्मी नहीं, एक बेटी नहीं आई है छोटी वाली, तो उसकी जगह मैं हूँ। तो मतलब अम्मा का पूरा परिवार आज यहीं पर ही है। कुछ मिसिंग है और ना कुछ यहाँ पे ऐसे लोग भी आए हैं जिनको फोटो वीडियो बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया है, जैसा कि भौमिक ने। सो एक ये है मामा भौमिक के बाल बना रहे हैं। प्रियांशी भाभी एंड प्रियांशी और मेरी फैमिली में ना इतने सारे लोग हैं जिनको वीडियो में नहीं आना है, इसलिए उनको वीडियो में नहीं ले रही हूँ मैं। तो ये है आज का दिन हमारा नानी के घर में, मतलब पूरी रौनक हो रही है। नानी के पूरे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे आज, ऐसा कुछ है, और सब लोग बातें कर रहे हैं। इतने छोटे से कमरे में पूरा हाउसफुल करा और अभी हम लोग बैठे हैं अम्मा के साथ। सो फ्रेंड्स, एक स्कूटी में तीन बच्चे सवार विद मामा एंड पापा। होले होले। मामा जी को ना फोटो में नहीं आना, इसलिए मामा जी के इसमें इमोजी चिपका रखे मैंने। White sauce pasta and rice. Smoked chili pasta and ये सेडलास। क्या सेडलास? समझ नहीं आया क्या सेडलास दे रही है हमको। अम्मा खा रही है चॉकोबार। खाना खाने वहाँ पर होटल में। तो मामा जा रहे हैं ड्यूटी को, छुट्टी खत्म। ठीक है, बाय बाय। तो अम्मा बाय करने के लिए यहाँ बैठी हैं, अम्मा ज्यादातर खड़ी नहीं हो सकती इसलिए। तो मामा चले गए हैं ड्यूटी को वापस, मामा की छुट्टियाँ खत्म। तो ये है घर और यहाँ है हमारा मंदिर। हाँ, अम्मा कह रही है मैं तेरे कंधे में हाथ धरूं। फोटो वाले ही मैंने फोटो वाले ही तो ये मैं फोटो देख लो। हाँ हाँ, सब देखे, सब देख लो। बोलो कुछ, तुम बोलो। तुम अम्मा, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र हो गई 82 का लगभग पहुँच गई। अम्मा कह रही है मैं 80 के लगभग पहुँच गई। पंजाब से भी घूम के आ गई। अम्मा पंजाब कितने महीने रही? पंजाब 7 महीने रही पंजाब। छोटे मामा पंजाब ड्यूटी कर रहे हैं आजकल, तो इसलिए अम्मा 7 महीने के लिए पंजाब गई घूमने के लिए और अभी वापस दिल्ली आ चुकी है। और अम्मा का ना फेवरेट घर यही है, इसलिए अम्मा यही रहती है। अच्छा लगता है। मामा तो वैसे दूसरे वाला भी है मामा के घर, यहाँ चले जाते हैं। बीच का कमरा ले रखा है, वहाँ अच्छा लगता है। यहाँ अच्छा लगता है मेरे को, क्या करूँ, क्योंकि यहाँ अम्मा के ना बहुत ज्यादा दगड़ी वगड़ी है। ये घर बहुत ही पुराना, कितने साल हो गए इस घर को? जब से आई हूँ तब से यह घर शुरू से यही लिया हमने। विक्की मामा भी यहीं हुए थे? विक्की भी यहीं हुआ। अच्छा, मतलब विक्की मामा भी यहीं हुए थे। तेरी मम्मी की शादी यहीं हुई, तेरी शादी हुई, बहुतों की शादी हुई यहाँ, बहुतों की। बहुत नामकरण भी बहुत हुए। हाँ, नामकरण लड़का भी बहुत है, किरायेदारों का सब बहुत है। बहुत अच्छा मकान है मेरे यहाँ, मेरे मन इसको बेचने नहीं कर रहे। मेरे मरी के बाल बेचेंगे बेचारा, अब ना बेचेंगे।
बिल्कुल ना। और ना मैं फर्स्ट टाइम उदयपुर, मतलब मेरे मकोट पहली बार अम्मा के साथ ही गई थी, और अम्मा ने मुझे सब दिखाया कि हमारा ये वाला घर था, यहाँ से मैंने नया घर बनाया सब कुछ। अम्मा ने चार पीढ़ी देख लिया, मतलब और अम्मा हमारे घर रामनगर भी आ चुकी हैं, एक दो महीने रही हैं हमारे साथ भी, मतलब दो तीन साल पहले कोरोना से पहले आई थी अम्मा। यहाँ कुछ फोटोज है, मैं दिखाती हूँ, पुरानी पुरानी फोटोज है यहाँ पे कुछ। तो ये है नानी, और ये नानी है विक्की मामा के साथ, और ये कुछ बीच वाला एरिया जो है ना, ये उड़ीसा का था। मामा जब उड़ीसा में ड्यूटी करते थे तो तब की है ये, तब अम्मा उड़ीसा गई थी फर्स्ट टाइम। और ये है मेरी नानी, मेरे नाना जी, और छोटे वाले मामा, और ये बड़े मामा के बच्चे भावना एंड कन्नू। कन्नू बहुत क्यूट लग रहा है वैसे, भावना भी क्यूट लग रही है। कन्नू का वैसे फुल नेम है करण, हाँ अम्मा कह रही कन्नू मत कह, करण कह, इसका नाम करण है वैसे, लेकिन हमने, लेकिन हम घर में कन्नू कन्नू बोलते हैं। और ये है, और ये भी एक फोटो है जो कि बहुत पुरानी है, एंड इसमें ना नानी की, नानी की सासू माँ ये हैं, और ये अम्मा को ना हमने भी देखा है, और अम्मा की मतलब आंखें नहीं थी, नानी की ना जो सासू माँ थी, नानी की जो सासू माँ थी वो उनकी आंखें मतलब बंद थी बिल्कुल, ये नहीं देख पाती थी, हाँ तो वो, लेकिन ना ऊपर रहती थी थर्ड फ्लोर में, और वहाँ से ना उनको अंदाज़ा था कि कैसे सीढ़ियों से पर स्टेप कैसे नीचे आना है, खाना खाने के लिए फिर ऊपर जाना है, मतलब पूरा आइडिया था। तो उस टाइम पे यहीं रहती थी हमारे साथ। ना ना अम्मा कह रही है मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं लग रही, बोले अम्मा कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मोटी लग रही है पतली लग रही है, अम्मा कह रही कब आएगी फोटो। मैं इतना परेशान हो चुकी ना, मेरा फ़ोन में स्टोरेज 90% फुल हो चुका है, और अम्मा कह रही कब आएगी फोटो वीडियो, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा एडिटिंग का, इतना बिजी हो रही हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे मेरी वीडियो में, मैं हमेशा आपको बस बाहर की सीन दिखा रही हूँ, बाहर का ही चीज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं दिन भर, मतलब क्योंकि मेरा पर डे कहीं ना कहीं आना जाना लगा ही हुआ है इस घर में। खास बात मुझे यहाँ मंदिर लगता है, यहाँ मंदिर में पूजा पाठ जो भी है मैं मानती भी हूँ यहाँ पे सब कुछ, तो ऐसा कुछ है। और मैं ना व्लॉगिंग यहाँ ढंग से करी नहीं थी काफ़ी दिनों से, मैं आ चुकी हूँ यहाँ से, तीन चार दिन मुझे हो चुके हैं, और आज ना मैं वापस जा रही हूँ रामनगर को, और मैंने सोचा कि आज ठीक से व्लॉगिंग कर लेती हूँ फिर। तो ये है नानी, तो नानी यहाँ रहती है, इनके ऊपर किराएदार भी हैं ऊपर दो तीन। तो ये है छोटे मामा, उनकी शादी की फ़ोटो है, बड़े मामा मामी एंड करण भावना। ये कौन से मामा है भाई, ये कौन से मामा है, ये फोटो, ये बाइक में ये प्रेम मामा है, हाँ। तो प्रेम मामा पहचानने में नहीं आ रहे मुझे, तो प्रेम मामा का फोटो है, शादी भी नहीं आई, छोटा था हैं, प्रेम में एग्रेशन हो रहा था। और ये मामा जब कहाँ गए थे, पटाया, पटाया गए थे तब की है ये, ये है भावना, मेरी शादी के बाद की फोटो है ये, एंड ये मामी, और ये मेरी ताई जी हैं, ये है नानी की सबसे बड़ी बेटी, और अब नहीं है, इन्होंने ही मेरा कन्यादान करा था पर अब नहीं है, तो ये ताई जी की फोटो भी रखी हुई है। सो इस बार ना मैंने दिल्ली आने का व्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि ना मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्पेस नहीं था, मैं कैसे कैसे करके वीडियो शूट कर रही हूँ मुझे ही पता है आजकल। तो मैं आई थी वापस मामा जी के साथ, छोटे मामा के साथ, वो रामनगर आए थे जब अपने, जब मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया ही था, मामा जी गाँव से वापस आए थे, तो मैं मामा जी के साथ ही यहाँ आ गई थी, और मामा जी आज चले गए हैं अपनी ड्यूटी को वापस पंजाब भटिंडा, और अब मेरा भी जाने का अचानक से हो गया कि मैं आज जा रही हूँ, आज ही निकल रही हूँ, क्योंकि गाड़ी वाड़ी मिल रही है, फिर इनके पापा चले जाएंगे गांव, फिर मुझे वहाँ से कौन पिक करेगा। तो आज फर्स्ट टाइम ना मैं, रिद्धि, आदि, हम तीनों अकेले जा रहे हैं रामनगर को, वो भी जो शेयरिंग वाली टैक्सी वगैरह नहीं होती है उस टाइप की गाड़ी में। तो चलो, वैसे ट्रेन में जाने का मन था इस बारी, लेकिन ट्रेन ना अभी अचानक से प्लान बनाया तो ट्रेन से इसलिए कैंसिल हो गया हमारा प्रोग्राम। तो हम लोग बस निकलने वाले हैं, मामा बाहर वेट कर रहे हैं, मामा मेरे को छोड़ देंगे और उसके बाद हम जाएंगे। तो पैकिंग वैकिंग हो गई है मेरी पूरी। तो ऐसा है कुछ आज का व्लॉग, आज कल बहुत बिजी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। देखो ये देखो, नाना जी ने चीज़ें दिलाई देखो, हाँ, और आदि को भी, आदि को भी दिला दिया, हाँ, इनके मज़े आ रहे हैं बस। और ये मम्मा की, मम्मा की लॉलीपॉप अभी नहीं, ये देखो बहुत लॉलीपॉप खाया है, पापा को बोलूँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है अम्मा का ना, क्या कहते हैं उसको, खाट, क्या कहते हैं, अम्मा का खाट बैठने वाला, ये बड़ा फेमस है, मतलब जब से मुझे होश है ना मैंने हमेशा देखा है इस टाइप का कुछ रहता है यहाँ पे, पहले यहाँ रहता था इस साइड को, और अब रहता है इस साइड को, मतलब बैठने के लिए, क्योंकि अम्मा को ना, हाँ, बाहर की एयर लेने के लिए, हवा लेने के लिए। और आदि यहाँ पे बॉल खेल रहे हैं, आदि खेल रहा है बैट बॉल, और इनसे भी मिलाती हूँ, ये है कि यहाँ किराएदार, इनके बेटे, एक बेटा और है वो वहाँ छुप रहा है, वो ऊपर से छुप रहा है, ऊपर से छुप रहा है।
तो ये भी रहता है यहाँ पे ये पहाड़ी है। आपका गांव कहाँ पे? हमारा गांव देघाट। चाहे वो देघाटी है या अम्मा के मायके वाले ही है। और हाँ, अम्मा का एक रिकॉर्ड और रहा है, हम बच्चों का नाम ना कभी नहीं लिया सही से एक बारी में। मतलब मैं अगर गीता हूँ तो मेरा नाम कभी भावना कभी निशु, और रिद्धि का नाम कभी गीतू कभी भावना कभी निशु। उसके बाद पता नहीं तीन चार नाम लेने के बाद सही से नाम आता है रिद्धि करके, या फिर किसी का भी जिसका भी नाम ले लिया। तो ये है ऐसी गली, और यहाँ सामने पार्क है, यहीं पे टेंट लगा था मेरी शादी का। माँ का शादी का इधर लगा था। अच्छा, माँ की शादी का उधर, अम्मा कह रही मम्मी की शादी का टेंट उधर लगा था, मेरी शादी का टेंट यहाँ लगा था, और फेरे वेरे ना सब यहीं पे हुए थे, इसी जगह पे, यहाँ पे, इस जगह पे। और बारात का स्वागत उस वाली गली से हुआ था, तो इस टाइप से कुछ था। 50 साल हो गए, 50 साल हो गए हमारे इस घर को बने हुए। हाँ, तो पेड़ दिखाती थी कुछ, एक पेड़ पौधे तब भी बो रखे हैं अम्मा के यहाँ। अपना खाने पीने की नहीं है वो ताकत, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे उगा रखे हैं यहाँ से पूरे लाइन से। ये लगा रखा है अम्मा ने, नींबू का पेड़ भी लगा दिया, इतना बड़ा हो गया है। और बाकी यहाँ पे ये शोपीस वाले हैं। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, मुझे पता है। एक बेस्ट फ्रेंड है अम्मा की, उनका नाम है राजू की अम्मा, राजमा, राजमा कहते थे हम। वो नहीं आए अभी भावना और मैं। वो भी आई नहीं, वरना वो और ये अम्मा का बस दगड़ी मतलब साथ है एकदम, यहीं बैठे रहते हैं हमेशा। तो यहाँ अम्मा और अम्मा की दगड़ियाँ सब सहेली, अरे दगड़ी ये पहाड़ी बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है। पड़ोसी दगड़िया सहेलियाँ। हाँ चलो, तो भावना का डायलॉग था कि अम्मा को ना पहाड़ी बोलनी, नहीं अम्मा को ना इंग्लिश बोलनी आती है, और वो इंग्लिश का वर्ड क्या है बोलना नहीं जानती। इंग्लिश का वर्ड क्या है? द। तो हम वो मजाक बनाते थे कि अम्मा की इंग्लिश है बहुत लाजवाब एकदम है द। और बाद में एक बार फिर बोलना, क्या बोलूं? वही वही द। अम्मा बोलो हैप्पी बर्थडे। एक बार बोलो हैप्पी बर्थडे टू न्याण द कहा से बोलो हड्डी बर्थडे टू बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. क्या बोल रहा है? तू बता। तू क्या? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. यहाँ का टेस्ट चल रहा है देसी लोगों का, इंग्लिश चेकअप। सो फ्रेंड्स, अब मैं पूछूंगी रिद्धि और आदि से कि उनको इतने दिन अम्मा के साथ कैसा लगा। तो रिद्धि मारावत, आपको मेरी नानी कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी। बोल ना, अच्छी नहीं लगी। ऊपर नीचे ऊपर नीचे कराती रहती है, और कच और कच कच करती रहती है। ऊपर नीचे भेजते रहते थे अम्मा को, ऊपर नीचे भेजते रहते। आदि भी बोला था अम्मा। और आदि को कैसा लगा? आदि को आदि भी बताने की कोशिश कर रहा है अपनी लैंग्वेज में, ऊपर नीचे करवाती देती है करके अम्मा। अम्मा का घर है, सब मानना पड़ेगा। मामा जी भी आ गए हैं, टैंक का ढक्कन लेकर आ गए हमारा, ये वाला है। सो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ आए थे ना रामनगर से दिल्ली को, तो हमारे टंकी का ढक्कन उड़ गया था, क्योंकि इतनी तेज आंधी तूफान हुई थी। तो मैं यहाँ दिल्ली से स्पेशली अपने घर रामनगर के लिए टंकी का ढक्कन लेके जा रही हूँ पहली बार। तो ये हमारी टंकी का ढक्कन है दिल्ली से मेरे पति के लिए, ये स्पेशल गिफ्ट। तो ये बच्चों से पूछते हो कौन कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 7th में। और छोटा वाला? 5th। फ्रेंड्स निकल रहे हैं हम यहाँ से, दिन जाए ना। हाँ ठीक है, बाय। हाँ, बारिश की छुट्टी बजने लगी। बाय बाय सब, बाय बाय। जाओ जाओ जाओ, चलो बाय। हाँ हाँ हाँ। फ्रेंड्स फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से, मेरा आदि इसको नींद आ गई थी, और मामा जी हमको छोड़ने आ रहे हैं दूसरी गाड़ी में, वहाँ से हम जाएंगे रामनगर को अकेले, और इनके पापा लेने आएंगे। हमारी गाड़ी आ चुकी है, तो इसमें हम लोग जा रहे हैं सीधा रामनगर को। मामा जी बैग को गाड़ी में रखवा रहे हैं,
चलो ठीक है। ओके अभी 10 मिनट के लिए हम लोग रुके हैं शिवा ढाबा में और उसके बाद निकलेंगे। तो रिद्धि और आदि आ गए हैं यहाँ कुछ अपने मतलब की चीज लेने। चलो इसके लिए लेते हैं और तो चलते हैं। सो फ्रेंड्स ये है भैया जिनके साथ हम गाड़ी में जा रहे हैं और इनकी सर्विस रहती है डेली रामनगर टू दिल्ली। हाँ तो इनसे जरा बात करते हैं और इनसे जरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्या पता आपके भी काम आ जाए ये सब चीजें, अपने बारे में बताइए। देखो मैम मैं रामनगर से दिल्ली चलता हूँ और फिर दिल्ली से वापसी हमारा स्टॉप रहता है दिल्ली में सरायकाले खां, कस्बरी गेट और विनोद नगर। और सुबह मॉर्निंग में रामनगर से 8 बजे निकलती है, 8 से 8:30 बजे का टाइमिंग होता है और दिल्ली पहुंचने का टाइम रहता है 1:30 बजे करीब। और हम डेली चलते हैं, पर पर्सन 1000 रुपये सीट लेते हैं और अपने टाइम से अपने उससे मैनेज करता है सबको इकट्ठा करके। देखो आज के समय में जो भी है हर किसी के पास पैसा नहीं है इतना कि कोई पूरी गाड़ी बुक करा देगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके बुजुर्ग माताएं हैं या उनको दिक्कत है किसी चीज की, उसके लिए ये सेवा मैंने रामनगर से डाली हुई है। फुल एसी में और पूरी गाड़ी एसी होगी और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का सहयोग चाहिए बस और कुछ नहीं। थैंक यू। इनका नंबर मैं अपनी स्क्रीन में दिखा दूंगी एंड अगर आपको अप डाउन करना है जैसे आज का सीजन भी है तो आपको अगर अप डाउन करना है रामनगर टू दिल्ली, आप पहाड़ में जाते हो? पहाड़ नहीं सिर्फ रामनगर टू दिल्ली, सिर्फ रामनगर टू दिल्ली। अगर आपको संपर्क करना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू थैंक यू। सब पहुँच गए घर। सो रिद्धि एंड आदि पहुँच चुके हैं अपने घर है एंड पापा जी है। सो रिद्धि एंड आदि पहुँच चुके हैं घर। ये देखो पापा का प्यार। हेलो कैसा लगा पापा का गिफ्ट दे दे रिद्धि? पापा का गिफ्ट टंकी का ढक्कन। आदि आदि हम काशीपुर में उतरे ना कोई उतरे तो आदि कह रहा है दीदी को भी उतारो, वो सीट पीछे थी ना वो पीछे बैठे थे, दीदी को भी उतारो पहुंच गए हम घर पर। कभी नहीं पहुंचे। ये पापा का गिफ्ट कैसा लगा? सो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं घर, डिनर वगैरह सब कुछ हो गया और आ चुके हैं रेस्ट करने के लिए। आदि और रिद्धि तो बिल्कुल टन हो चुके हैं सो के, ये देख सकते हैं आप रिद्धि और आदि को। और तो हम भी रेस्ट करते हैं तो अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ इनसे कि कैसा लगा इनको, तो बताइए मदिदेव कि आपको कैसा लगा इतने दिन तक? बच्चों में यार बहुत सुनसान हो रहा था। जब बच्चे रहते जहर खा लेते हैं हल्ला कर करके और जब बच्चे नहीं रहते तो इतना फ्री हो जाते हम भी कि यार बोर टाइम काटना मुश्किल हो जाता। अम्मा क्या रोना को रही थी और अभी अम्मा से जब मेरी बात हुई तो अम्मा कह रही बुरा लग रहा है, अम्मा को रोना जैसा आ रहा था। अकेले हो गए ना आजकल इसलिए। तो मेरा अचानक से प्लान बना कि हमें आना है क्योंकि फिर ये लेने आ नहीं पाते ना हमको क्योंकि ये जाने वाले हैं गाँव इसलिए, वरना मेरा प्लान था कि मैं कुछ टाइम और रुकती नानी के पास। सो फ्रेंड्स यही था आज के ब्लॉग में, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं इसी तरह न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।